दोस्तों, आज की जर्नी होने वाली है बेहद खास, जो कि पूरा भोर घाट हम कवर करने वाले हैं। मुंबई से लगा के पुणे तक का शानदार वाली नज़ारे दिखने वाले हैं, और सुंदर सुंदर टनल्स को पार करते हुए, झरने को देखते हुए हाई टॉप पे हम लोग जाने वाले हैं। और पूरी यात्रा आप देखें, काफ़ी मज़ा आने वाला है। प्यारा से भोर घाट का नज़ारा देखते ही बनता है, और पुराने पुराने ब्रिजों को देखने का एक आनंद ही अलग है। पहाड़ों पे बादल मानो बैठ से गए हैं, और हम हमारी यात्रा को जारी रख रहे हैं। और इधर EMU भी अलग रेस लग रही है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को हम निहार रहे हैं। ये देखें, फिर से EMU, कभी हमसे आगे कभी हम उसके आगे, और बस ऐसी प्रतियोगिता चलती रहती है। और सुंदर नज़ारों के बीच में ये सफर काफी रोमांच करने वाला है। ट्रेन नंबर 11007 जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई से चलती है पुणे के लिए रोज सुबह 7 बजे, और पुणे पहुंचती है 11:05 में। तो दोस्तों, आज उसी की यात्रा करने वाले हैं, और कोई ऐसी जानकारी नहीं है यार, आज केवल मजे लेंगे, भोर घाट का एंजॉय करने वाले दोस्तों इस मानसूनी सीजन में हम लोग, तो पूरा कवर करेंगे। और ये यार भव्य देखें यार आप, CST रेलवे स्टेशन का नज़ारा काफी सुंदर है। हम हमारी गाड़ी में बढ़ते हैं, ये खड़ी है हमारी गाड़ी, देखें नज़ारा, ये खड़ी है देखिए हमारी गाड़ी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई पुणे डेक्कन एक्सप्रेस, और रेक शेयर करती है फ्रेंड जन शताब्दी एक्सप्रेस से। और ये भव्य नज़ारा यार देखें आप, पूरे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का। और अंदर चलते हैं फ्रेंड्स हमारे कोच में, आज का कोच है D1, और ये नज़ारा यार कुछ वाव, डेरल लुक जो है बहुत ही शानदार। कोच की कंडीशन बताऊँ तो बहुत ही शानदार कोच है यार, बिल्कुल चार्जिंग सॉकेट वगैरह, ये देखें मेरा चार्ज भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स करेक्ट अपने टाइम 7 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 12 से निकलती हुई दोस्तों गाड़ी हमारी। दादर दोस्तों, अभी जो खाली थी गाड़ी, अब देखें यहाँ पे पूरी थाने में फुल हो चुकी है। और यहाँ नज़ारे दिख रहे हैं कि अभी तो खैर मुंबई चल रहा है, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी, और अब आगे आपको देखेंगे घाट का सेक्शन।
आ चुके हैं कल्याण, जहाँ से एक लाइन मनमाड़ के लिए निकल जाती है, नासिक मनमाड़ के लिए, और एक हम जिससे अब पुणे के लिए जाएंगे। देख सकते हैं स्टेशन कल्याण से निकलती हुई गाड़ी हमारी, बहुत ज़्यादा रश है यार। फ्रेंड्स देखिए, पूरा गर्व बनाती हुई कल्याण से हमारी गाड़ी। दोस्तों कल्याण की बात करें तो एक प्रमुख जंक्शन है यार, जहाँ से हम लोग नासिक होते हुए मनमाड़ की ओर निकल सकते हैं, और एक लाइन जिससे हम लोग जा रहे हैं पुणे के लिए। अब हो रहा है दोस्तों मौसम शानदार, और ले ली हमने चाय, और ये है सफ़र। बस यही मज़े हैं यार इस सफ़र के। फ्रेंड्स कल्याण से आगे बढ़ने के बाद ये देखें कुछ ऐसा नज़ारा, थोड़ी हरियाली स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन असली मज़ा तो करजत के बाद ही आने वाला है। नेरल दोस्तों 8:43 पे ये आ चुके हैं नेरन जंक्शन, और जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से बेहतरीन वाली टॉय ट्रेन चलती है माथेरन के लिए, और अभी हाल फिलहाल में बरसात में हो सकता है कि अमन लॉज से चल रही हो गाड़ी। ये देखें नेरल का नज़ारा। ये देखें फ्रेंड्स टॉय ट्रेन भी खड़ी हुई है यहाँ पे आप देखेंगे तो, लेकिन अभी मैंने पूछा तो ये अमन लॉज से फ्रेंड चल रही है, यहाँ से नहीं चल रही है। नेरल जंक्शन। तो दोस्तों आप भी इस टॉय ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, आप अमन लॉज जाएं वहाँ पे आपको ये मिलेगी, और इस मानसून के सीज़न में काफ़ी शानदार मज़े आने वाले हैं यार वहाँ पे भी। दोस्तों यहाँ से शुरू होता है भोर घाट का सुंदर नज़ारा। मुंबई पुणे के बीच में पश्चिम घाट में स्थित एक पहाड़ी दर्रा भोर घाट, दोस्तों अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है भोर घाट, और ख़ासकर मानसून के वक्त तो यहाँ का माहौल बस मन करता है इन नज़ारों को देखते रहें। पहाड़ों पर बादलों का आना हो या झरनों का बहना, काफ़ी सुंदर लगता है। करेक्ट 9 बजे हम लोग आ चुके हैं यार करजत, और करजत की प्रसिद्धि की बात करें तो यार यहाँ पे वड़ा पाव ही वड़ा पाव बिक रहे हैं। आप देखेंगे इधर देखें सारी जगह वड़ा पाव के, 30 रुपये के 2 वड़ा पाव मिलते हैं यहाँ पे, और इसलिए भी रुकती है फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे, एक टेक्निकल हॉल्ट दिया गया है क्योंकि इससे बैंकर जुड़ते हैं, यहाँ से घाट सेक्शन चालू हो जाता है। ये देखें फ्रेंड्स ये वड़ा पाव दिख रहे हैं, आप 30 रुपये का दे रहे हैं, हम भी खाएंगे। और करजत से आगे निकलते ही हमने देखा WCAM3 लोकोमोटिव, जो केवल इसी सेक्शन में ही दिखाई देता है दोस्तों, और हाँ यहाँ के वड़ा पाव खाना ना भूलें, काफ़ी टेस्टी है। अब होता है दोस्तों घाट सेक्शन स्टार्ट, और ये बैंकर जो हमारी ट्रेन में भी लगे हुए हैं पीछे, और हम लोग घाट स्टार्ट कर रहे हैं चढ़ना, और ये प्राकृतिक दृश्य देख सकते हैं, हमारी ट्रेन प्यारा सा कर्व लेती हुई, और हमारी ट्रेन में भी लगा हुआ है WCAM3 लोकोमोटिव, और देख सकते हैं आप ये भोर घाट का नज़ारा। ये है भोर घाट, इसी का इंतजार कर रहे थे हम लोग, बहुत ही सुंदर सा घाट है यार। बैंकर भी लगे हैं हमारी गाड़ी में पीछे, गजब यार गजब। ये है दृश्य देख रहे हैं ना आप, घाट का फ्रेंड्स मैं आपसे बात कर रहा था। यह है भोर घाट, बेहतरीन बेहतरीन। और ये देखें फ्रेंड्स प्यारा
सा नज़ारा भोर घाट का। पीछे लगे हुए हैं हमारे बैंकर जो इसको पुश कर रहे हैं पूरा घाट सेक्टर। बैंकर दोस्तों ऊपर जाती है, देखें आप ये ऊपर जा रही है पटरी। अंदर भी दिख जाएंगे फ्रेंड्स आपको यहाँ, देखें मंकी हिल। तो दोस्तों 9:44 पे आ चुके हैं ये खंडाला। यहाँ पे भी हमारा टेक्निकली हॉल्ट है, ऑफिशियली हॉल्ट नहीं है। और देखें यार क्या खूबसूरत से घाट सेक्शन को कवर किया हमने, आपको मजा आया कि नहीं दोस्तों। और इधर देखें बेहतरीन वाला डीजल, ये बताता हूँ आपको, ये देखें दोस्तों ये बेहतरीन। हमारी गाड़ी भी निकलती हुई तो हम निकलेंगे, पूरी पावर लगाता हुआ है हमारा डीजल WDG-4D। हाँ भैया ये खंडाला का नज़ारा देख लीजिए दोस्तों, बेहतरीन वाला माहौल है यार, बहुत ही प्यारा सा नज़ारा ये हमारा खंडाला। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ चुकी है खंडाला रेलवे स्टेशन से हमारी गाड़ी, और टेक्निकली हॉल्ट होता है यार क्योंकि रेलवे के कर्मचारी जो होते हैं चढ़ने उतरते हैं हर स्टेशन पे, इसलिए गाड़ी का टेक्निकल हाल्ट होता है। और ये कर्व बनाते हुए गाड़ी, और पीछे देखेंगे तो बैंकर अभी भी लगे हुए हैं और लोनावाला में ये डिटैच हो जाएंगे दोस्तों। और कैसा लगा आपको ये घाट सेक्शन बताइएगा। चेन्नई मुंबई लोनावाला इसी के साथ दोस्तों 9:50 पे ये आ चुके हैं लोनावाला। और यहाँ पे हमारे जो बैंकर लगे थे वो डिटैच हो जाएंगे और यहाँ से होता है घाट सेक्शन खत्म। देख सकते हैं लोनावाला का नज़ारा, काफ़ी रश है यहाँ पे और कुछ ऐसा है, काफ़ी मज़ा आया दोस्तों। आपको कैसा लगा ये जर्नी देख के, अब आगे हम लोग बस पुणे की ओर बढ़ेंगे। और ये कामक्षेत्र रेलवे स्टेशन को पार करते हुए हम लोग, और इसके पीछे ही आप देखेंगे तो एक प्यारी सी नदी बह रही है दोस्तों जिसका नाम है इंद्रायणी नदी। ये यहीं लोनावाला से निकली हुई नदी है यहाँ के पहाड़ों से, और भीमा नदी में यह मिल जाती है। काफी अच्छा दृश्य यार, रेलवे स्टेशन के समानांतर बह रही है ये नदी। मेट्रो का नज़ारा भी यहाँ पे,
इसी के साथ दोस्तों ठीक 11 बजे हम लोग पुणे रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। और आप लोगों को ये कैसी वीडियो लगी बताइए, अगर अच्छी लगे तो क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं एक और वीडियो में।